स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज मैं आपके सामने आपके 8 नंबर क्लियर करने आया हूं, जो आपको 8 नंबर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में शॉर्ट आंसर लिख के मिलेंगे। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि प्रोज चैप्टर के कौन से शॉर्ट आंसर जो आपको याद कर लेने हैं, एकदम रट लेना है, किसी भी तरह से उसे छोड़ना नहीं है। तो इंपॉर्टेंट करीब 15 से 17 मैं आपको शॉर्ट आंसर बताने जा रहा हूं और मैं आपके कुछ क्वेश्चन का जवाब भी बीच में जरूर दूंगा, जो हमारे आपके दिमाग में चल रहा होता है कि कौन से चैप्टर से याद करें, कौन सा शॉर्ट आंसर याद करें, कौन सा बार बार पूछा गया, कौन सा बार बार यहां पर हमें याद रखने की जरूरत है। तो वो सारे सवालों का आंसर, सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आपके पेपर में 4+4 यानी 2 शॉर्ट आंसर आपसे पूछेगा, जो टोटल 8 नंबर का होगा। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर की बात करने जा रहा हूं, बहुत क्लियरली इस वीडियो को देखिए और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, खासकर ये 8 नंबर, क्योंकि हम लोग ग्रामर में किसी ना किसी तरह से चीजों को पढ़ रहे होते हैं, बराबर क्लासेस चल रही होती है, लेकिन जब बात आती है पोएट्री या लिटरेचर की तो बहुत प्रॉब्लम होती है और सबसे ज्यादा नंबर आपको लिटरेचर वाले पार्ट से ही मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा यहाँ पर चैप्टर है द लास्ट लेसन। मैं आपको बता देता हूं और गारंटी के साथ बताने जा रहा हूं कि इस लास्ट लेसन चैप्टर के हर एक शॉर्ट आंसर को आप याद रखिए, गारंटी के साथ कहता हूं। 5 या 4 नंबर आपको जरूर देगा इस एक चैप्टर के सारे शॉर्ट आंसर। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे कि कैसे हमें शॉर्ट आंसर लिखना है, उसका आंसर कैसे लिखना है, कैसे उसके बारे में जानना है, कैसे उसको लिख सकते हैं, ये सारी बातें। तो मैंने आपको बताया कि द लास्ट लेसन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप अगर चाहते हैं कि आपका 4 नंबर सिक्योर हो जाए, आपको मिल जाए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस पूरे चैप्टर के जितने भी शॉर्ट आंसर हैं उनको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे भी चाहिए उस हिसाब से कर लीजिए, लेकिन आपको इसे छोड़ना नहीं है। मैं गारंटी देता हूं, 10 से 15 साल का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि इसी चैप्टर से शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं, या पिछले बार भी 75 जिलों में इस चैप्टर से जरूर हर एक पेपर में, हर एक सेट में एक जरूर क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर से आया है। तो मैं आपको बता रहा हूं इस चैप्टर का जरूर याद रखिएगा। दूसरा हमारा है लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर। इसमें मैं आपको दो शॉर्ट आंसर रिकमेंड कर रहा हूं कि आपको वो दो शॉर्ट आंसर याद रखना है। सबसे पहला है कि हु वॉज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वॉज हिज एम्बिशन। ठीक है, ये आपको ये वाला चैप्टर जो हमारा लॉस्ट स्प्रिंग है उसका ये शॉर्ट आंसर भी तैयार रखना है। अब मैं बताता हूं कि आपको आंसर कैसे याद होगा या कैसे आप लिख सकते हैं, कितना लिखना है, कितना ज्यादा कितना कम, ये सारी बातें तो मैंने बताया आपसे शुरू में ही कि मैं बीच में जवाब जरूर दूंगा। अगर आप किसी भी चैप्टर का शॉर्ट आंसर लिखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि मैं रटूं, आप नहीं चाहते कि अब मुझे रट्टा मारना पड़े, तो मैं बता देता हूं आप बस उस चैप्टर की, उस पर्टिकुलर चैप्टर की हिंदी याद रखें, जिससे आपको सारी चीजें पता रहे। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि मुकेश कौन था, दूसरी बात वो कहां रहता था, तीसरी बात उसकी इच्छाएं क्या थी, उसकी महत्वाकांक्षाएं क्या थी, ये भी आपको जरूर पता होगा। अब आपके सामने 3 क्वेश्चन मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया, 30 वर्ड से ज्यादा लिखना नहीं है, तो आपको बता देता हूं इसके बारे में एक लाइन, इसके बारे में एक लाइन और इसके बारे में एक एक लाइन, यानी 2 से 3 लाइन का आपका शॉर्ट आंसर होना चाहिए। गारंटी के साथ कहता हूं 4 नंबर ना मिले तो फिर उसी दिन से चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ये मैं वादा करके जा रहा हूं आज के वीडियो से। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन इसी चैप्टर का है कि इट इज हिज कर्म, ये उनका कर्म है, हिज डेस्टिनी उनका भाग्य है, हु सेड एंड व्हाई, किसने कहा और क्यों कहा। तो आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसकी जो नानी होती है वो कहते कि ये भी अंधा हुआ है, मेरे पति अंधे हुए हैं, ये बच्चे भी अंधे हो जाएंगे, क्योंकि यही हमारा कर्म है, यही इनका भाग्य है। तो ये आपके, मैंने बताया सबसे पहली बात कि लास्ट लेसन से सारे के सारे, मैं फिर बोल रहा हूं बहुत बार पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि आप सारे के सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, गारंटी के साथ कहता हूं द लास्ट लेसन से ही आपका 4 नंबर का शॉर्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद लॉस्ट स्प्रिंग से ये मैंने 2 रखे हैं जो पिछले बार पूछे गए थे। अब आते हैं डीप वाटर में, कि डीप वाटर में कौन सा शॉर्ट आंसर याद रखना है आपको। चलिए, हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो है डीप वाटर। इसके मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, देखिए, जैसे कि व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट आंसर है, ये भी आपको याद रखना है। व्हाट वॉज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल, कैसे वो जब पूल से बचकर बाहर आया तो उसकी क्या कंडीशन थी। और व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू
डू टू ट्रेन डगलस। जो डगलस था उसने जब अपने इंस्ट्रक्टर को बुलाया तो वो उसको कैसे ट्रेन कर रहा था, क्या कर रहा था, क्या उसको क्या बता रहा था। उसके बाद है वेयर वॉज द पूल एंड वॉट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, वो पूल कहाँ था और वो कैसा ऑफर, क्या अवसर देता था। तो देखिए ये आपके डीप वाटर से चार शॉर्ट आंसर है। मैंने अभी आपको इससे पहले आपको दो शॉर्ट आंसर बताए जो आपके लॉस्ट स्प्रिंग से थे। मैंने आपको पहले बताया आपको पहला चैप्टर जो हमारा द लास्ट लेसन था उसके जितने भी शॉर्ट आंसर हैं उतना आप तैयार रखें। अब अगर बात करें कि इनका आंसर कैसे लिख सकते हैं तो मैं भाई मेरे मैंने बताया आपको कि पहली बात तो 30 वर्ड याद रखना है, तो 30 वर्ड इज नॉट अ बिग डील, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आप 30 शब्द याद न कर पाए। और अगर आप चाहते हैं कि रट्टा न मारना पड़े, याद न करना पड़े, तो आपको उसका चैप्टर की हिंदी याद होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि ये जो भी क्वेश्चन है इसके आंसर मिलेंगे नहीं, इन सब के इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको आपके चैनल विनर्स अकेडमी प्रयागराज के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी इससे रिलेटेड। उसके बाद हमारा एक और जो चैप्टर है द रैट ट्रैप, उसके बाद इंडिगो, उसके भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं जो आपको याद रखने हैं, जो बार बार पूछे जा रहे हैं। आगे देखिए द रैट ट्रैप सेलर के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर, जैसे व्हाई वाज द वेगाबॉन्ड नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस, यानी वो जो घुमक्कड़ी आदमी था जो रैट ट्रैप बनाता था वो उस वेगा जो आयरन मास्टर था उसके घर क्यों नहीं जाना चाहता था। दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर से है कि हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम, वो कौन था रैट ट्रैप सेलर और वो उसे कैसे बनाता था। ये दो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है द रैट ट्रैप से है। उसके बाद इंडिगो चैप्टर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हु वॉज राज वैद्य, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर द लास्ट लेसन के बाद कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके नजर में तो वो है इंडिगो। हु वॉज राजकुमार शुक्ला, व्हाट वॉज हिज स्पेशलिटी, राजकुमार शुक्ला कौन था, उसकी विशेषता क्या थी। व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वॉन्ट टू मीट गांधी जी, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, गांधी जी ने लॉयर्स जो वकील थे उनको क्या फटकार लगाई। और व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, और चंपारण के विकास के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का जो नंबर है, मैंने चार क्वेश्चन आपको इंडिगो चैप्टर से बताए और आपको सारे क्वेश्चन याद रखने के लिए बोले हैं द लास्ट लेसन। मैं फिर से बोल रहा हूं द लास्ट लेसन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जिससे कंफर्म है एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट उस चैप्टर का भी बता देता हूं कि जो बुलेटिन बोर्ड था वो क्या था और उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं कि जब एम हैमल उन्होंने जब क्लास को अंत किया लास्ट किया तो उन्होंने क्या कहा। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं कि उन्होंने किसको इन बच्चे मतलब इस शिक्षा के लिए या इस कंडीशन के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया। ये तीन इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर आप चाहे तो द लास्ट लेसन से याद रख सकते हैं। तो मैं यहां पर आज इस चैप्टर को इस पूरे टॉपिक को खत्म कर रहा हूं, लेकिन हाँ विश्वास करिए 10 क्वेश्चन करीब 7 या 8 क्वेश्चन करीब आपको द लास्ट लेसन से पढ़ना है। चार क्वेश्चन आपको इंडिगो से, यानी आपको 15 से 17 मैंने आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर प्रोज के बता दिए जिन्हें आप याद रखेंगे तो गारंटी के साथ कहता हूं आपसे 8 नंबर मिस नहीं होगा। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।